जय गणेश। आज हम सीखेंगे इको फ्रेंडली गणेशा कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना है मैं बता देती हूँ आपको। एक कार्डबोर्ड लेना है, साथ में एक कप में पानी लेना है, एक सेफ्टी पिन लेनी है, और मैंने ये जो मिट्टी लिया है ये नॉर्मल प्लांटिंग की मिट्टी है, इसको मैंने छान लिया है जिसमें से मैंने पत्थर निकाल दिए हैं, छोटे छोटे कंकड़ निकाल दिए, और साथ में मैंने चॉक पाउडर ऐड किया है जिससे स्मूथनेस आती है। इसका मैंने ये जो डो तैयार किया है ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम बीच की कंसिस्टेंसी का रखा है इस डो को। साथ में मैंने कलर्स दिखाए हैं कि हम कलर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कार्डबोर्ड पर हमें इसका एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसपे हम गणेश जी बिठाएंगे। तो गणेश जी का प्लेटफॉर्म आप कैसा भी दे सकते हैं, आप स्क्वायर दे सकते हैं, रेक्टेंगल दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, जैसा आपको लगे। आप लीफ बना सकते हैं, एक पत्ती बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल दे रही हूँ क्योंकि हम आज सिखा रहे हैं बेसिक गणेशा कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। मैं लगातार पानी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पानी से बहुत स्मूथनेस आती है और जो क्रैक्स आते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं पानी के लगाने से। तो ये देखिए मैंने एक स्मूथ प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया है। अब हम बना रहे हैं गणेश जी के पेट के नीचे वाला हिस्सा। तो पेट के नीचे वाले हिस्से के लिए मैं हाथों से दोनों मिट्टी को रोल करके मैंने लगा दिया है। साथ में मैंने एक बड़ा सा पेट बना दिया है गणेश जी का, और साथ में अब मैंने यहाँ पर पैर बनाए हैं। तो गणेश जी को आलगी पाड़ के बिठाया दिखाया है इस वीडियो में, तो वैसे ही बनाया है मैंने इसको। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे ज्वाइन कर रही हूँ, साथ में पानी लगा रही हूँ। अब हम बना रहे हैं गणेश जी के पेट के ऊपर वाला हिस्सा। तो पेट के ऊपर वाले हिस्से को मैंने ऐसे रोल करके ऐड किया। आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको पीछे से कैसे ऐड करूँगी साथ में पानी के साथ। धीरे धीरे इसको ऐड करना है ताकि पीछे से ये स्ट्रांग रहें, जितने आगे से सुंदर दिख रहे हैं उतने पीछे से ये स्ट्रांग भी रहें। इसके बाद अब हम इनके हाथ बनाएंगे। तो हाथ बनाने के लिए मैंने एक राइट हैंड से आशीर्वाद देते हुए लेफ्ट हैंड में मोदक या लड्डू पकड़े हुए बनाना है। तो ये जैसे पैर किया था वैसे करना है। अब हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी के हाथ की प्लेट बना रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड में वो प्लेट पकड़ेंगे। मैंने बताया है कि आप स्टार शेप, सर्कल शेप कैसे भी बना सकते हैं। मैं जो है मैं एक नॉर्मल एक मोदक बना के रख रही हूँ। मैं प्लेट की डिज़ाइन दिखाई है पर मैं को मोदक ज़्यादा पसंद है तो मैं मोदक बना के रख रही हूँ। अब हम बनाएंगे गणेश जी का फेस। तो फेस बनाने के लिए मैं एक सर्कल कर रही हूँ जिसको थोड़ा सा मैं टैप कर रही हूँ, एकदम सर्कल भी ना होना चाहिए। तो थोड़ा सा टैप करके मैंने पानी लगा के बताया है और फिर इसको मैं फिक्स कर रही हूँ। वही मेथड करनी है पीछे से, थोड़ी सी मिट्टी को नीचे ले जाते हुए ज्वाइन करना है। आप देख रहे हैं कि मैं बीच बीच में पानी लगा रही हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि क्रैक्स आ रहे हैं। अब ये मैंने एक सूंड तैयार करी है गणेश जी की, आप चाहें किसी भी तरफ रख सकते हैं। मैं इनको लेफ़्ट तरफ रखी है सूंड को, मैंने आपको दिखाया है ये। तो सूंड को बड़े धीरे से ऐड करना है फेस पे, ये बहुत मेहनत वाला काम होता है तो, और इसको ध्यान से भी करना है। तो इसको आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। अब हम कान बना रहे हैं गणेश जी के। तो गणेश जी के कान ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ज़्यादा छोटे, बट आप शेप जैसा भी चाहें दे सकते हैं। मैंने दिया है यहाँ पे शेप, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे दे रही हूँ शेप। थोड़ी सी मिट्टी लेके उसको थोड़ा सा लीफ करके फिर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं पानी का भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पानी से दरार नहीं आती। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पानी का लगातार यूज़ आपको करते रहना है, नहीं तो मिट्टी कड़क होगी और क्रैक्स आएंगे गणेश जी में। तो ये देखिए ये मैंने ऐड कर दिए। कान ऐड होने के बाद अब हम बनाएंगे गणेश जी का पीछे का जो है उसमें हम मिट्टी साथ में लगाते जा रहे हैं ताकि गणेश जी स्ट्रांग बने रहें पीछे से भी। अब हम बना रहे हैं गणेश जी का मुकुट। तो मुकुट बनाने के लिए मैंने एक ऐसा सर्कल बना के उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखा है और उसको मैं पानी से स्मूथ करके गणेश जी के ऊपर लगाऊंगी। उसके ऊपर मैं एक और इससे छोटा सर्कल बना के रखूँगी। आप देख रहे हैं वीडियो में इसको मैं कैसे हाथ से बना रही हूँ। उसके बाद अब मैं मुकुट का ही थोड़ा सा बचा हुआ काम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा उसको पहाड़ जैसे शेप का बना के दे रही हूँ मुकुट को। तो ये देखिए बना दिया है मैंने। अब साथ ही में हम ऑर्नामेंट्स बनाएंगे गणेश जी के, हाथ का हुआ, पैर का हुआ। तो उसके लिए हमें ऐसे पतली सी मिट्टी को पतला करना है मिट्टी को ऐसे दोनों हाथ से, और उसके बाद दोनों हाथ में दोनों पैर में इसको बड़े ध्यान से लगाना है। साथ ही में इस पतली सी मिट्टी को हमें दांत बनाने के लिए भी यूज़ करना है। गणेश जी का एक दांत टूटा होता है, एक बड़ा होता है। तो मैंने जो लेफ़्ट दांत है वो बड़ा रखा है और जो राइट दांत है वो छोटा रखा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। अभी मैं ऑर्नामेंट्स लगा दूँ, उसके बाद मैं दांत लगाऊँगी। उसके बाद मैंने एंड में एक सेफ्टी पिन से थोड़ी सी डिटेलिंग करी है गणेश जी की सूंड पे। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं कितने डिटेलिंग कर रही हूँ, साथ में सेफ्टी पिन साथ साफ भी करती जा रही हूँ जिससे क्लियर दिखे। ये मोदक पे भी मैं थोड़े से करूँगी, उसके बाद जो हमारे हाथ गणेश जी के जो हाथ हैं उन पे भी करूँगी। तो ये देख रहे हैं आप मैं ये कैसे कर रही हूँ। तो ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग हो गई है। तो ये हमारे गणेश जी रेडी हैं, जिन्हें पीछे से मैंने ऐसा किया और आप इन्हें कलर भी कर सकते हैं। थैंक यू।